दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में डिस्को डांसर के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपने दौर के सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक माने जाते थे, जिन्होंने आज भी अपना रुतबा कायम रखा है। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक नहीं बल्कि ढेर सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नवाजा है और अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर की लिस्ट में दर्ज करवाया है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इनकी फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि इनके साथ काम कर चुकी उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके साथ मिथुन दा का अफेयर रह चुका है, पर उन अभिनेत्रियों ने इनको प्यार के बदले सिर्फ नफरती और बर्बादी दी है। जिन्होंने मिथुन दा को बर्बाद करने के लिए किसी और अभिनेताओं के साथ अफेयर रखा, तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन अभिनेत्रियों ने मिथुन दा को बर्बाद करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची और इन्हें बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। नंबर वन, पद्मिनी कोल्हापुरी। तुमसे मिलकर न जाने क्यों जैसे सुपर हिट सॉन्ग में मिथुन चक्रवर्ती के साथ ताल से ताल मिलाने वाली अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने दौर में खूब सुर्खियां बटोरी हैं और आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है। लेकिन आपको बता दें, इन फिल्मों के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे, जहां दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती उस समय शादीशुदा थे और ये बात पद्मिनी कोल्हापुरी को भी अच्छे से पता थी, फिर भी वह उनके प्यार में पड़ गए। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें समझाया कि मैं शादीशुदा हूं और वक्त के साथ हमारा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, जिस वजह से पद्मिनी कोल्हापुरी को ये बात काफी चुभ सी गई और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को जलाने के लिए अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार का नाटक किया और उन्होंने मिथुन दा को यह तक कह दिया कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, जिस वजह से मिथुन दा काफी टूट से गए थे क्योंकि वे पद्मिनी कोल्हापुरी से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। नंबर टू, मंदाकिनी। जाल, कमांडो और डांस डांस जैसी जबरदस्त फिल्मों में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनय कर चुकी अभिनेत्री मंदाकिनी और मिथुन दा की जोड़ी उस समय की सबसे हिट जोड़ियों में से एक मानी जाती रही है, जहां दोनों ही इस फिल्म के दौरान एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, जहां दोनों के लिंकअप की खबरें उन दिनों की हेडलाइंस हुआ करती थी। लेकिन दोनों ही हस्तियों के बीच उस बात को लेकर अनबन हो गई थी कि एक फिल्म के शूटिंग के दौरान मंदाकिनी को कई सारे इंटीमेट सीन्स करने थे और इसके लिए मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए मंदाकिनी को फिल्में करना भी बहुत ज़रूरी था, पर मिथुन चक्रवर्ती ने उनको उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मंदाकिनी को एक साथ कई प्रोजेक्ट की फिल्मों से हाथ धोना पड़ा और ये मंदाकिनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से काफी अनबन कर ली थी, जहां मिथुन चक्रवर्ती ने उन पर बातों ही बातों में हाथ उठा दिया था। इस पर मंदाकिनी ने उनका साथ तो छोड़ दिया, लेकिन उनको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जहां उन्होंने अपना मिथुन के बाद अभिनेता धर्मेंद्र के साथ अफेयर चलाया और वह उनको चलाने के लिए अक्सर ही उनके साथ पार्टीज इवेंट में आया जाया करती थी, जिस बात से मिथुन चक्रवर्ती का दिल टूट सा गया। नंबर थ्री, आयशा जुल्का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहतरीन अभिनेत्री आयशा जुल्का ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ मेहरबान, हिम्मत वाला और दलाल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और खूब सुर्खियां बटोरी हैं और इन्हीं फिल्मों के दौरान इन दोनों ही हस्तियों के बीच प्यार परवान चढ़ा, जहां दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी समय तक एक दूसरे को डेट करते रहे। लेकिन जिस समय मिथुन चक्रवर्ती अभिनेत्री आयशा जुल्का को डेट कर रहे थे, उस समय वे शादीशुदा थे और जब इस बात की भनक मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को लगी, तो उन्होंने आयशा जुल्का को एक फिल्म के सेट के दौरान काफ़ी खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद आयशा जुल्का को ये बात काफ़ी बुरी लगी और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से दूरियां तो बना ली, लेकिन अभिनेत्री आयशा जुल्का मिथुन चक्रवर्ती को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जहां उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को जलाने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार का सहारा लिया, जहां आयशा जुल्का अवार्ड फंक्शंस में अक्षय के साथ नजर आया करते थे, जहां आयशा जुल्का और अक्षय कुमार की नजदीकियां देख मिथुन चक्रवर्ती काफी ऑकवर्ड फील किया करते थे। नंबर फोर, माधुरी दीक्षित। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम तो किया ही है, साथ ही इन्होंने जिंद तेरे नाम कर दी जैसे कई सुपर हिट सॉन्ग से भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, जिसमें अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने इसके बाद ही कई फिल्मों में काम किया। लेकिन आपको बता दें, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित एक समय में मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में पागल थी, जहां दोनों ही एक दूसरे को काफी समय से जानते भी थे।
थे, लेकिन इनके बीच एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी बात को लेकर काफी अनबन हो गई, जिस वजह से माधुरी ने मिथुन चक्रवर्ती से बदला लेने की ठानी, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे क्रू मेंबर के सामने उनकी बेइज्जती जो की थी, और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने संजय दत्त को अपने प्यार में फंसाया। और वे मिथुन चक्रवर्ती के सामने हमेशा संजय दत्त की तारीफें किया करती थी और उनके साथ शूटिंग के दौरान नजर आती थी, जिस वजह से मिथुन चक्रवर्ती को उनका ये बिहेव काफी खराब लगता था। नंबर 5, श्रीदेवी। तू भी बेकरार जैसे सुपरहिट सॉन्ग और जाग उठा इंसान, वतन के रखवाले और वक्त की आवाज जैसे सुपरहिट फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन इन्होंने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया था, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत किया करते थे और दोनों के शादी की अफवाहें भी काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। जहां हमेशा से ही श्रीदेवी ये चाहती थी कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी पहली पत्नी योगिता बाली को तलाक देकर उनसे शादी कर ले, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अपनी पहली पत्नी योगिता बाली से बेहद प्यार किया करते थे और उनको वह तलाक देना नहीं चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्रीदेवी से यह तक कह दिया था कि मैं किसी भी हाल में योगिता को तलाक नहीं दे सकता। जिस पर बेशक श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती से दूरियां बना ली, लेकिन उन्होंने उनसे दूरियां बनाते ही एक शादीशुदा इंसान यानी कि बोनी कपूर से शादी कर ली, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे और बाल बच्चेदार भी थे। और ये बात जब मिथुन चक्रवर्ती को पता लगी तो वह काफी टूट से गए थे, जहाँ श्रीदेवी ने उन्हें इस कदर बर्बाद कर दिया कि वे आज भी इस बात को भुला नहीं पाए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन अभिनेत्रियों को मिथुन चक्रवर्ती को इस तरीके से जलाने के लिए किसी और अभिनेता के साथ अफेयर चलाना सही था? और आपको किस अभिनेत्री के साथ मिथुन दा की जोड़ी अच्छी लगती थी? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।